हरि ओम फ्रेंड्स, आज हम साईं बाबा जी के लिए इस तरह की कैप बना के लाए हैं। देखिए ये कैप कुछ इस तरह से है। तो हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं कैप बनानी। तो उसके लिए देखिए हमने अपनी ये वूल ले रखी है। तो ये देखिए इस तरह से हम अपना एक नोट बनाते हैं और ये देखिए क्रोशिया हुक में से इस तरह से निकालेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। तो इस तरह से हम एक दो तीन और ये चार चैन बनाई हमने। चार चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच करने के बाद फिर एक दो चैन ले ली हमने। फिर जो ये हमारा होल बना है उसमें हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो, ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम 12 बार अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको कैप छोटी बनानी है तो यहाँ पर 10 बार भी ले सकते हैं, अगर आपको बड़ी बनानी है तो 14, 16 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस समय उस हिसाब से ले सकते हैं। तो अब हम अपना ये राउंड पूरा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम 12 बार अपना ये डबल क्रोशिया बना के आ चुके हैं। अब हमने जो ये दो चैन ली थी ऊपर वाली चैन में जाकर इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए अब हमें फिर से दो चैन लेनी है इस तरह से। अब हमारी जो इसके साथ ही ये जो चैन है यहाँ पर एक बार देखिए, अब हमें इस तरह से डबल क्रोशिया नहीं बनाना, धागा लेके अब हमें देखो तीनों का हाफ कर देना है। तो इस तरह से हम ये राउंड बनाएंगे। तो हमारे ये दो हो गए। अब नेक्स्ट चैन में हम एक बार बनाएंगे, उसे नेक्स्ट चैन में हम, तो इस तरह से हम दो बार अपना बनाएंगे और नेक्स्ट में एक बार। इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने लास्ट वर्क तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये जो हमने दो डबल क्रोशिया लिए थे वहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया से ऊपर से इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम फिर देखिए दो चैन लेंगे। अब दो चैन लेने के बाद इसके साथ ही जो ये हमारी ये चैन है, ये देखिए दिख रही होगी आपको, इस चैन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम एवरी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमको ना कहीं घटाना है ना बढ़ाना है। तो देखिए बस अब हम यहाँ पर सभी जगह पर इसी तरह से अपनी चैन बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम अपने लास्ट में पहुंचे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे अपनी चैन के साथ। तो हम एक ऐसी ही रो एक और बना लेंगे। अगर हमें अपनी कैप बनानी हो तो इतनी ही काफ़ी है, लेकिन अब हमें हैट बनानी है तो इसके लिए हमें एक रो और बनानी पड़ेगी। तो इसी तरह से हमें ये देखिए टू बनाए चैन और इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पर एक इंक्रीज करना पड़ता है, बाकी सब जगह पे एक सिंगल ही बनाना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब सर एवरी चैन में हम एक ही बार डबल क्रोशिया बनाते हुए आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी लास्ट वर्क में उसी तरह पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब हमें स्लिप स्टिच करने के बाद अब हमको दूसरा कलर लेना पड़ेगा। तो देखिए अब हम इसमें दूसरा कलर ऐड कर रहे हैं। तो आप इसमें नोट बना सकते हैं अपना। ये देखिए इस तरह से नोट बनाएंगे और ये देखिए इस तरह से नोट बनाने के बाद हम अपने क्रोशे में हुक को इस तरह से ले लेंगे और ये देखिए इस तरह से निकाल कर पीछे वाले पिंक धागे को खींच कर टाइट कर लेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा कुछ धागा है हम अभी बुनते समय इसको अपने साथ ही ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए
अब हम यहाँ पर देखिए, ये हमारी जो फर्स्ट चैन है, यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट चैन है, यहाँ पर हम ये देखिए धागा लेंगे और इस तरह से ये देखिए हमने ये डबल क्रोशिया बनाया अपना एक, और ये देखिए अब ये देखिए धागे को इसी के यहाँ पर रख कर, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये देखिए दो बार डबल क्रोशिया बनाया हमने। फिर इसी ही चैन में देखिए इस तरह से तीन बार बनाया। ये बनाने के बाद फिर हम इसमें दो चैन लेंगे, दो चैन लेने के बाद फिर इसी ही हुक में हमें दोबारा से तीन बार बनाना होगा। तो जैसे हमने पोंचो के नीचे अपने डिज़ाइन में किया था, सेम वही इसी तरह से हमें करना है। अगर आप चाहे तो इसमें दो भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे आपको अगर कटाव ज़्यादा चाहिए तो, जैसे ये देखिए कटाव ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए हमें तीन तीन ही बनाने पड़ेंगे। तो आप अपनी वूल का हिसाब भी दे सकते हैं। और ये देखिए एक यहाँ से हम चैन को छोड़ देंगे, अगली नेक्स्ट चैन में हम इसको इस तरह से ये देखिए इस तरह से जोड़ देंगे। फिर हम एक चैन छोड़ेंगे अगली नेक्स्ट चैन में, फिर इसी तरह से हम ये देखिए धागा लेके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें सभी जगह पर करना है। देखिए इस तरह से बनाने के तीन बनाए हमने डबल क्रोशिया, फिर हमने दो चैन ली, देखिए फिर हमने इसी में ही दोबारा से तीन बार डबल क्रोशिया लिया, फिर हमें एक एक चैन को स्किप करते हुए इसी तरह से अपना ये डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये मैं अपना वर्क करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने लास्ट में पहुँच चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको ये देखिए यहाँ पर ना करके, देखिए वैसे हम हर एक चैन छोड़ने के बाद इसको जोड़ रहे थे, तो अब हमें इसके साथ ही ऐड करना है। तो हम इसको अब ये देखिए जो हमारा ये हमने यहाँ पर ये देखिए इस मले में इसको मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मिलाने के बाद ये देखिए ऊपर से हमारी जो ये चैन है थोड़ा सा यहाँ से भी इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, और इस तरह से हम कुछ चैन बना लेंगे। ये देखिए कुछ चैन बनाने के बाद फिर हम देखिए अब हम अपनी इस चैन बनाने के बाद ये देखिए जो हमारा पोंचो का यहाँ से जो बैक हमने साइज बैक साइड बनानी है उसके यहाँ पर इस तरह से इसको हम मिला देंगे। देखिए इस तरह से। तो मैं अपनी सभी कान्हा जी की ड्रेसेस पोंचो जो भी हम बाबा जी की साईं बाबा जी की ड्रेसेस बनाते हैं तो उसके साथ हम इसको इस तरह से मिला दे बांध देते हैं। तो मुझे इस तरह से इजी लगता है तो मैं इसलिए इस तरह से करती हूँ। आपको भी अगर मेरा ये तरीका अच्छा लगता है तो आप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको बांध देंगे और सभी हम अपने एक्स्ट्रा धागों को कट कर देंगे, या इसको हमने देखिए हाँ अंदर जाके इस तरह से इन धागों की एडजस्टमेंट करके इसको हम इस तरह से कर देंगे। देखिए जैसे हमारा ये धागा भी है तो इस तरह से हम इसको इस तरह से। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू। आप भी अपने बाबा जी के, और इसी में ही आप छोटी कैप भी बना सकते हो, सिर्फ उसमें आपको इस चैन की क्वांटिटी को थोड़ा कम करना होगा, और अपनी वूल को ज़रूर देखें मोटी पतली हो तो उसी हिसाब से अपने फंदों को की एडजस्टमेंट शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।